खबर अर्पल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। गोविंदपुरी में 20 अप्रैल 2012 को हुए गैंगरेप में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। निगम परिषद के कार्यकाल के 3 वर्ष होने पर हुआ विकास दौड़ का आयोजन। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। और पत्रकारों ने आसाराम बापू के अपशब्दों पर किया बापू का पुतला दहन। और अब समाचार विस्तार से। 20 अप्रैल 2012 को गोविंदपुरी क्षेत्र में हुए बहुचर्चित गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट ने तीनों आरोपी विशंबर सिंह गुर्जर, राकेश कुशवाहा और निरंजन गुर्जर को आईपीसी की धारा 376 के तहत 14 साल की सजा और 15,000 का अर्थदंड सुनाया। भारतीय दंड विधान की धारा 363 के अपराध में 5-5 वर्ष के कारावास की सजा, 376(2)(g) गैंग रेप के लिए 14 वर्ष के कारावास की सजा, 506(2) के अंतर्गत 2-2 वर्ष के कारावास की सजा, आरोपी राकेश को 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास की सजा। धारा 363 में सजा के अतिरिक्त 5,000 रुपया जुर्माना, गैंग रेप के लिए सजा के अतिरिक्त 10,000 रुपया जुर्माना और 25 आर्म्स एक्ट में 500 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अगर एक व्यक्ति के लिए टोटल सजा को काउंट किया जाए तो 14, 5, 19, 2, 21 और 22 वर्ष राकेश के लिए नहीं, ये 22 वर्ष है, ये केवल आरोपी राकेश के लिए, क्योंकि आर्म्स एक्ट की जो धारा है और जो अपराध साबित हुआ है वो आरोपी राकेश के लिए है। अन्य मूल्यमान के लिए केवल धारा 363, 376, 2G और 506(b) के अंतर्गत सजा दी गई। दिसंबर और निरंजन इसमें सब एक्स्ट्रा धारा दी, जैसे कौन सी सजा दी जाती है? 376(2)(g) में कम से कम कारावास की सजा 10 वर्ष है, अधिक से अधिक जो है वो आजीवन कारावास है। तीनों को 14 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित हैं। अरे तो चेहरे क्यों ढाक के हो अब इनका? आरोप क्या होगा इन पे? तो थोड़ा पीछे आ जा। अरे जा 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 जा। अरे जा 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 जा। चेहरा क्यों छुपाया है इनका? मजा तो चेहरा। यार को बोल देता हूँ, सब वो मंगवाएगा फोटो। कोई आदमी है जो ठीक है, प्रशासन को क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी? सब सब दिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों व्यवस्थाएं ऐसी करना पड़ेगी? चेहरा भी ढाकना पड़ेगा क्या? वजह किसका? चेहरा आरोपियों का चेहरा ढाके गए जानबूझकर? चेहरा तो चेहरा सब तो खुले दूं एक का एक। अरे हम तो खुले देख के आए। प्रोत्साहन क्यों दिया गया? चलो अच्छा दिया, अब अलग से बात करता हूँ। पुरानी छावनी थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी ने घर के कमरे में पति के शव को गाड़ दिया। चादर मदर निकाल ले, तेज नहीं मारना। धारा क्या? पुरानी बताइए। पुरानी छावनी में एक घटना हुई है, क्या किस आदमी है, कैसे क्या घटना?
ये पुरानी छावनी कस्बे में हमें पता चला था कि एक महिला है हेमलता करके, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी है और अपने घर में दफना दिया है। तो इस मामले को हम लोगों ने जांच में लिया है और फिलहाल सबूत खनन की कार्रवाई करवाई जा रही है। लाश मिल गई है क्या? लाश पाई गई है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगी है, अभी उत्खनन हो रहा है। तो कहाँ पर? उसके घर में ही है? कहाँ है? उसके घर में ही लाश है। अभी महिला और लड़की और उसका प्रेमी कहाँ है? वो दोनों फरार हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि पुलिस यहाँ पर आई है और पुलिस के कंप्लेंट की गई है, तभी से उनका पता नहीं है। उनके लिए भी हम लोगों ने दबिश के लिए पार्टी भेजी है, जहाँ जहाँ पर उनका होना संभावित था, लेकिन अभी तक वो नहीं मिले। दारा कौन थे आपके? वो भाई क्या किस तरह से आपको सूचना मिली, कब की क्या घटना है, पूरी बता, बता पूरा बता। कौन से गांव के रहने वाले हो? ब्रीपरा। बता क्या हुआ है आपको, कैसे सूचना मिली? क्या सूचना मिली? ऐसे जबरान ने सूचना दिया। क्या कहा था? त्यार भाई कहा था कोई लड़की ये लेगा भैया चुका। फिर भाई ने जी बताई। क्या बताइए? त्या भैया लड़की यही लेगा भैया। पत्रकारों के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में पत्रकारों ने आसाराम बापू का पुतला दहन किया। आसाराम बापू ने पत्रकारों को कुत्ता कहकर संबोधित किया था। देश के खिलाफ टिप्पणी करने वाले का नाश हो, मीडिया के खिलाफ टिप्पणी करने वाले का नाश हो, नाश हो। अरे कहां ले जा रहा है? अरे हां की जोड़ बंदी होगा। आज मध्य प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा आसाराम बापू का पुतला दहन किया गया है। आसाराम बापू द्वारा प्रेस पे लगातार हमले किए जा रहे हैं और उनके मतलब आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जो कि ना मीडिया के लिए नहीं करना चाहिए। मीडिया का काम समाज को जोड़ना है, ना कि समाज को तोड़ना है। वो लगातार इस प्रकार के हमले करते हैं, तो ठीक नहीं है। उसको लेकर हमने आज यहाँ पुतला दहन किया है। वकीलों ने आज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का पुतला दहन किया। वकीलों ने पुतला दहन भारतीय सेना के जवानों के साथ पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए कृत्य के लिए किया गया था। रक्षा मंत्री कायरता छोड़ो, सब्र का बांध तोड़ो। सौम्य थोड़ा फैल जाओ यार, फैल जाओ आप लोग, फैल जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ यार। देखिए, जो पाकिस्तानियों ने 600 मीटर घुस करके हिंदुस्तानियों के जो मिलिट्री वालों की गर्दनें काटी हैं, उसमें हमने ये पाया कि भारत सरकार कायर है, एंटोनी रक्षा मंत्री कायर है, प्रधानमंत्री कायर है, सलमान खुर्शीद कायर है। इनके मैंने कायरता के पुतले फूंके हैं। हर बार ये कहते हैं कि मेरी धैर्य का बांध टूट जाएगा, तो मेरा कहना तुम्हारे धैर्य का बांध कब टूटा? घुसों के घर में मार रहे हैं और जिन लोगों के जवान लड़के मरे उनको पूछो तुम्हारा धैर्य का बांध कब टूटेगा? तुम्हारे लड़के मरे, तुम्हारे परिवार का कोई मरे तो तुमको मालूम पड़ेगा देश के अंदर इतनी आग लगी है। और ये आवाम चाहता है कि एक बार युद्ध हो जाना चाहिए। तुम तो लड़ोगे, जनता लड़ने को तैयार, तुम्हें क्या परेशानी है? इसका जवाब कब दोगे तुम? इतनी बीभत्स घटनाएं होती है, 600 मीटर घुस करके गर्दने काट के ले जाते हैं। परवेश मुशर्रफ वहां पर इनाम देता है। 13 साल पहले भी ऐसा हुआ था, भारतीय उसका मिलिट्री वाले का वो सिर काटा था, परवेश मुशर्रफ ने उन लोगों को इनाम घोषित किया था और उनको सम्मानित किया था। और यहाँ का रक्षा मंत्री ये कहता है कि मेरे धैर्य का बांध टूटेगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसी क्या मैत्री है? तुम मैत्री का हाथ बढ़ा रहे हो, तुम यहाँ पर क्रिकेट के गेम करा रहे हो और वो घुस करके तुम्हें मारते हैं। तो पूरी 1.25 करोड़ जनता जो है शर्मसार है इस बात से, इसलिए मैं इनकी कायरता के पुतले जाए कि तुम कायर हो और अपना इस्तीफा दे दीजिए। कोतवाली थाना अंतर्गत दौलतगंज में एक ऑटो चालक के साथ लूटपाट कर उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा कहना प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों का था। मृतक ऑटो चालक का नाम अनुष्क भार्गव था।
इसका क्या इधर संग में सुन लीजिए मैं सराफ परिवार में निवास करता हूँ। क्या क्या मैं सुबह चाय पीने आया था तो बच्चे वगैरह ऑटो में देख रहे थे तो मैंने देखा तो पड़ा हुआ, मैंने 108 को कॉल लगाया, बीट वालों ने भी लगाया कॉल, तो कॉल लगाने पे 108 आधे पौन घंटे में आई। जब उन्होंने देखा कि वो मृतक घोषित हो गया है तो दरोगा जी अपनी कार्रवाई करने आए। ऐसा तो नहीं हो सकता, रात को ठंड के मारे अकल के बैठ गया और ऑटो में से सब सामान चोरी हो गया, बैटरी क्या बोलते हैं पहिया और स्टेपनी वगैरह सब गायब है उसमें। ऐसा लग रहा है कि किसी ठंड तो, और ऐसा ऑटो मालिक आया उसने ऐसा बताया कि दारू का आदि था, हो सकता है दारू पिया हुआ है। ग्वालियर ऑटो रिक्शा चालक संघ उपाध्यक्ष लगन धावक, ये जो ड्राइवर है इस उसका विरोध ये है कि सबसे पहले जब इसका पंचनामा यहाँ बनाया जा रहा है उसके पेरेंट्स लोग नहीं आ जाएंगे, हम उसका पंचनामा नहीं बनने देंगे। दूसरी चीज इसके लिए जब हमारे कोई वैसे आदमी एक्सीडेंट हो जाता तो एम्बुलेंस आ जाती है, 108 आ जाती है, 108 आईवी लौट के चली गई सुबह और हमारे साथ में ये पुलिस वाले जो रात को हम लोग ओवरलोडिंग गाड़ी अगर दो सवारी तीन सवारी से चार बैठी होती है तो तुरंत पीछे भागने के भाग जाते हैं हमारे पीछे और हर कहीं रोकते हैं। हमारा इसकी बैटरी खुली गई है, इसका टायर खुला हुआ है, इसके संकेत हमारी घड़ी ये घूम रही है कि किसी ने इसके साथ में हरकत की है। रात में घर टूटा, घर टूटने के बाद दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं, टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र, होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड पड़ाव, ग्वालियर 2, फोन 07512376655, फैक्स 07512375555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर में नगर निगम द्वारा विकास दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ मानसिंह चौराहे से प्रारंभ होकर थीम रोड पर समाप्त हुई। इस दौड़ में विजेताओं को 15,000 से लेकर 5,000 तक के चेक बांटे गए। उनके ड्राइवर से अनुरोध है कि उनको जूनियर बॉयज के साथ जाना है। साथ ही प्रारंभ हो उसी क्रम में रेस प्रारंभ होने जा रही है। ये दिखा बना के रखें, एक दूसरे को
जूनियर एवं सीनियर को अतिथि जूनियर जूनियर रह रहे हैं जूनियर जूनियर में पर्यावरण सुरक्षित रहे और इस वर्ष का संकल्प है कि बेटियों को नारियों का सम्मान उनका बना रहे, बेटियां हमारी सुरक्षित रहे। इसी को तहत आप सभी ने देखा कि यहां सभी वर्गों की दौड़ प्रतियोगिता हुई, उसमें सभी ने अपना अपना भागीदारी की और आप सभी के माध्यम से यही निवेदन है कि 2013 हम अपने शहर के लिए एक ऐसा संकल्प लें कि हम उसको सुंदर बनाएं, साथ साथ हमारे यहां जो हमारे संस्कार हैं हम उनको सुरक्षित रख सकें। हमारे राज्यसभा के सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रभा झा जी, माननीय अनु मिश्रा जी, माननीय घनश्याम द्रोनिया जी, नगर निगम के सभापति माननीय ब्रजेंद्र सिंह जादौन जी, जीडीए के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश यादव जी, जितेंद्र मंत्री श्रीमती सुमन सामने अंदर आ जाना गरबा में मंच पर मेरे भाई हम सबके चेयरपर्सन के राज्यसभा सदस्य ये दूसरा का भी ध्यान रखा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, बल्लभ जी प्रथम नागरिक श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी, ग्वालियर नगर निगम के सभापति आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, ग्वालियर विकास प्राधिकार जितेंद्र गुर्जर जी, प्रदेश कार्यसमिति महिला मोर्चे की प्रदेश मंत्री श्रीमती सुमन शर्मा जी, नगर निगम में अब उपसभापति हैं या पैनल में ये मुझे पता नहीं, लेकिन सुशील वर्मा जी, अंजलि राजादा जी, घनश्याम द्रोनिया हमारे अध्यक्ष, मंच पर विराजमान वरिष्ठ जन उपस्थित, ग्वालियर को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, लोग बात कुछ कहते हैं और करते कुछ, कभी रोपवे का काम रोक दिया जाता है, कभी काम शुरू होने नहीं दिया जाता, तो कभी JNNURM में ग्वालियर को शामिल नहीं किया जाता और वहां से खबर भेजी जाती है कि ग्वालियर शामिल हो गया, उनके अधिकारी बात कर रहे, नहीं तो ग्वालियर से दिल्ली तक मार्च करके हम शहरी मंत्रालय के मंत्रियों से उनके अधिकारियों से मिलकर अपनी लड़ाई दिल्ली की सड़कों पर भी करनी पड़ी तो हम करेंगे, क्योंकि हमें JNNURM की आवश्यकता इसलिए है कि वो जबलपुर में, वो उज्जैन में, वो भोपाल में, वो इंदौर में, हम अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम जनभागीदारी से काम कर रहे हैं, हम राज्य के पैसे से सारी अधोसंरचनाएं बना रहे हैं, उसमें केंद्र हमको सहयोग नहीं दे रहा है। और पोजीशन नेहा चेस्ट नंबर 11 39 आदर नेम सीता प्रसाद, दो भैया पीछे 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 हो जाए, कम से दौड़ पाई फर्स्ट क्यों नहीं आई, चिंता नहीं अगला फर्स्ट आएगी, अरे यार नीचे हो जाए यार तू, ये देखो फिर टॉप थ्री के बाद फर्स्ट पोजीशन, इधर देखो इधर फिफ्थ पोजीशन प्रियंक। एक माह पूर्व हजीरा सब्जी मंडी में आग लगने से सब्जी की दुकानें तहस नहस हो गई थी, जिन लोगों की दुकानें आग में नष्ट हुई थी उन्हें आज राजस्व निरीक्षक द्वारा चेक वितरित किए गए, इस दौरान 31 चेक बांटे गए। आप भी आ जाओ, मैं यहीं खड़े हूँ। ठीक कटे जाओगे कैसे होंगे?
कितने कितने यार के? अब कुछ और 3,000 के लिए अलग अलग। ठीक है, बहुत देर के लिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। देवी राम सोन परमानंद हमको परमा में ला लो, परमा को बोलो दिलीप पुत्र बेनी प्रसाद। अजय बताएं चेक किए गए क्यों? मैं 9 तारीख को मंडी सब्जी मंडी में आग लग गई थी जिसमें काफी दुकानदारों का नुकसान हुआ था, उसी रूप में आज आर्थिक सहायता के चेक बांटी जा रहे हैं। हालांकि नुकसान काफी है लेकिन फिर भी जो सहायता शासन से मिल रही है। 31 चेक बांटे गए और आज राजक लूट की योजना बनाते हुए पुलिस ने दल्लरधेड़ी हनुमान मंदिर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से कट्टे व तलवार बरामद भी किए हैं। यह मामला ग्वालियर थाना अंतर्गत का है। और आगे की तरफ ट्रक से बैठ जाए। नहीं मिला जी, क्या नाम है इनका, कहाँ से पकड़े हैं, किस वारदात में? ये कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी करीब 10 बजे के 5-6 बदमाश नदेड़ी पर हनुमान मंदिर के पीछे नाले किनारे छिपे हुए कोई गंभीर वारदात करने के उद्देश्य से है। इसकी जानकारी मिलने पर मैंने अधिकारियों को बता के और एक फोर्स की टीम तैयार की और 10-15 आदमियों को लेकर के मैं हथियारों के तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर घेराबंदी इनकी की, घेराबंदी करके और इनको वाच किया तो इनकी जानकारी पुख्ता हो गई कि हाँ ये लोग ये वारदात करने के उद्देश्य से ही यहाँ पे छुपे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल हम लोगों ने इनको ललकारा और ललकारने पर ये भागने का प्रयास किया तो इनमें से हमने 5 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से तलवारें, कट्टा 315 बोर का और जो डकैती डालने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये लोग निश्चित तौर पर गंभीर वारदात करने के उद्देश्य से, डकैती डालने के, लूट करने के उद्देश्य से वहाँ पर एकत्रित हुए थे। इनके नाम है, एक राजू शर्मा है और एक ब्रजेश पटेल है, दूसरा तीसरे एक नाम है इसमें, तीसरा नाम है उसका शेरू खटीक है और दो भाई हैं परमार बंधु। क्या नाम है इनका, परमार का? और निश्चित तौर पर ये इनका काफी रिकॉर्ड है थाना क्षेत्र में और ये लोग कोई गंभीर वारदात करने के लिए बताया कहाँ ये बात करने वारदात करने ये जो जानकारी मिली मुझे कि ये सराफे में कोई विकास सेठ करके है उसका नाम आ रहा था कि उसके यहाँ ये घटना घटित करेंगे, कोई इनका एक आदमी था। मुख्य समाचार एक बार फिर। गोविंदपुरी में 20 अप्रैल 2012 को हुए गैंगरेप में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। निगम परिषद के कार्यकाल के 3 वर्ष होने पर हुआ विकास दौड़ का आयोजन। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या और पत्रकारों ने आसाराम बापू के अपशब्दों पर किया बापू का पुतला दहन। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।